आप इसको होस्ट कर ले, हम लोग तीनों उठ जाते हैं फिर यहाँ से. नूराबा आप हाँ या ना में कहते हैं आप यहाँ पे. 78% और एक अंदाज होता है. आप अगर आप उसको होस्ट कर ले, हम लोग तीनों उठ जाते हैं फिर यहाँ से. नूराबा हाँ या ना में कहते हैं आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपकी बात ज्यादा क्या सजेस्ट करता हूं. मैं आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. बात कीजिए दिगर दो मेंबरान से आप प्लीज. अच्छा मेरी बात कंप्लीट होने दें प्लीज, मेरी बात तो कंप्लीट होने दें आप. अफसा आप मेरी बात तो कंप्लीट होने दें प्लीज. मैं खवातीन पे ही बात कर रही हूँ. 78% मैं बहसियत पैनलिस्ट के थोड़ा सा इंतजाज करूंगी, क्योंकि बिल्कुल इस तरह के जब काम होते हैं और इस तरह की गुफ्तगू होती है तो उसमें दो बातें तय होती हैं कि एक तो सियासत पे बात नहीं होगी और सियासत नहीं होगी, दूसरी मजहब के मामला में हम नहीं उलझे. एक बात यहाँ पे प्लीज अफसा मुझे प्लीज बात कंप्लीट करने दें. 78% ये हमारी बदनसीबी है कि जब भी पाकिस्तान में रियासत को हमारी वफा और जफा पर सवाल उठाना होता है तो हमारे सामने पहला सवाल ये आता है कि मुसलमान हो कि नहीं हो. सो हमारा अपना मुसलमान होना जो है ऐसे सवालों से हमें शक में डाल दिया जाता है एक दूसरे के लिए कि हम मुसलमान हैं या नहीं हैं. सियासत और हुकूक को आप मज़हब भी सपोर्ट करता है लेकिन हुकूक की बात को और स्ट्रगल की बात को और आज के किरदार को और आज के मामलात को मज़हब से अलग कर लें ना. आप खवातीन के हवाले से बात करना चाहते हैं. एक और टॉपिक है जिसकी तरफ मैं जाना चाहूँगी. ही करने दे कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए. कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी. Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं. कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी. बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर. कुदरत हर वक्त बर वक्त.